हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज की स्टोरी बहुत बेस्ट है और खासकर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी है, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशल है। कुछ बातें जो हम डिस्कस करेंगे, अगर आर्टिकल 1921 हमें बोलने और जीने की आज़ादी देता है तो कहीं पर यह नहीं लिखा कि आप अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ करोगे। जैसे ही आपको बाहर भेजा जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। जब आप गाँव में लौट कर या शहर में लौट कर आओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कितने मजे लिए। आपके हाथ में डिग्रियों का या आपके हाथ में सक्सेस का अगर कुछ है तो वो पूछा जाएगा, ना कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने मजे लिए। आज की कहानी है बिहार से आए हुए एक मजदूर की, और उस मजदूर ने अपनी बेटी पर इतना विश्वास किया कि उसको स्पेशल अपनी फैमिली को छोड़कर वो हिसार में आके बस गया। हिसार में आके बसा, और आपको ये अगर ये सुना भी होगा कि जब आप पूरी किसी चीज़ को शिद्दत से चाहता हो तो कायनात उसको मिलाने की साजिश रचती है। तो इस लड़की के साथ सेम ऐसा ही हुआ। इस लड़की का सपना था कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊं। तो मजे की बात देखिए, इस लड़की को जहां जहां भी जरूरत पड़ी किसी भी हेल्प की, भगवान ने हर फरिश्ता इसके लिए भेजा। मैंने इसकी स्टोरी सुनी और देखा कि ये हिसार की विज्ञान धारा अकेडमी से है। मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद इसकी पूरी वीडियो देखी और बहुत इंस्पायर हुआ कि देखो यार, हम सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में कुछ नहीं करते और कुछ करने। आपने कल भी मैंने एक डायलॉग बोला था कि जिंदगी मोड़ तब नहीं लेती जब हम कुछ सोचते हैं, जिंदगी मोड़ तब लेती है जब उसको करने के लिए कुछ ठान लेते हैं। तो इस लड़की के साथ सेम ऐसा हुआ। बिहार से इसके माँ बाप, इसका पिता आया स्पेशल इसकी फैमिली को छोड़कर, दिहाड़ी मजदूरी की, इस लड़की को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये लड़की प्लस टू क्लास में हुई, जहां पर भी इसको इसके पड़ोस में इसकी एक सीनियर थी, वो भी MBBS कर रही मुलाना से। जबरदस्त बात देखिए, वो जहां पर भी उस लड़की ने इसको गाइड किया, उसकी माँ ने इसको गाइड किया, जहां पर ये कोचिंग लेने गई उस टीचर्स को मेरे तरफ से भी थैंक यू सर, जो भी आप हो मैं आपको नहीं जानता, बस तहे दिल से शुक्रिया कि जब आप ऐसे किसी की मदद करते हैं और जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कोचिंग फ्री कर दी। यूनिट की कोचिंग लाखों रुपए की होती है, इस लड़की के लिए वो कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। फिर इसने सोचा कि मैं PG में रहूं, क्योंकि पिताजी देर सवेर आते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और लड़की के लिए वो ठीक नहीं था, ऐसा हमारी सोसाइटी में माहौल है। तो इसके पिताजी ने सोचा कि मैं PG में इसको रख दूं। जैसे ही ये PG में रहने लगी तो PG की जो ऑनर थी उसको भी थैंक यू, उसने उसको PG सब कुछ फ्री कर दिया। जहां पर ये रहने लगी वहां पर और भी लड़कियां थी, सारी इसको बुक प्रोवाइड कराएगी और मजदूर की बेटी नीट क्वालिफाई करके MBBS करेगी। हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि जब आप हेल्प करते हो, होता है एक आदमी खुददार। खुददार का मतलब ये कहीं नहीं लिखा कि आप किसी से मदद ना मांगो। खुददार का मतलब होता है आप किसी से मदद मांगो, दिल से मांगो, आपको मिलेगी। बट खुददार का मतलब होता है कि आप स्वाभिमानी हो, झूठ ना बोलें, और जिस चीज के लिए आपने हेल्प की है वो सच्ची होनी चाहिए। तो जिंदगी में खुददार होना भी जरूरी है और खुददार के कुछ नियम भी है। तो ऐसी लड़की जो हमारे लिए सैकड़ों नहीं लाखों बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी, अक्सर मैं देखता हूँ एज ए टीचर, जब मुखर्जी नगर में हम रहते थे और जब स्टूडेंट थे तब भी और जब टीचर हैं तब भी, कि लड़के खासकर आते हैं यहाँ पर शराब पीना शुरू कर देते हैं, लड़कियाँ आती हैं वो व्यभिचार में लिप्त हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि आप अपने माँ बाप को सपनों को मत मारिए। इस लड़की की तरह सपने पूरे कीजिए, क्योंकि आप शहर में कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे, उसी समय आपके माँ बाप सपने देख रहे हैं कि मेरी बेटी गई है, मेरा बेटा गया है, कुछ करके आएगा। लेकिन आप जब 3-4 साल बाद बोलते हो नहीं मेरा तो नहीं हुआ, कट ऑफ आई जाती है मानते हैं, लेकिन उस कट ऑफ में कोई तो आया होगा, उस कट ऑफ में किसी का तो सिलेक्शन हुआ होगा, तो आपका क्यों नहीं हुआ। मानते हैं 3-4 साल लगते हैं हर किसी ना किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। UPSC एक पंचवर्षीय योजना है, BCS 3 वर्षीय योजना है, कोई छोटा मोटा एग्जाम है वो 1 वर्ष से 2 वर्ष से योजना होती है, बट हमें टिकाऊ होना जरूरी है। ये बात आज भी मान लो कल मान लोगे तो आपकी मर्जी, टिकाऊ होना जरूरी। बट बाहर रहते हैं जो लड़के लड़कियां, उनके लिए विशेषकर ये वीडियो बनाई है। प्लीज अपने माँ बाप के सपनों का गला घट मत घोटिए। आपके ऊपर सारी आप अपने माँ बाप की फसल हो। जैसे हम फसल तैयार करते हैं कपास की या चावल की या गेहूं की, 6 महीने बाद काट लेते हैं, उसकी कितनी केयर करते हैं हमारे किसान, उसके पेस्टिसाइड, उसका खाद सब कुछ समय पर दिया जाता है। तो आप भी अपने माँ बाप की फसल है, तो ऐसी फसल का अपने आप को ऐसा उत्पादन कीजिए ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर आपके माँ बाप आपको सैल्यूट करें, आपको गांव में आपका पापा जी बोला जाए कि ये वो है जिसका बेटा वो है। कहने का मतलब आप ऑफिसर बनिए कि आपके माँ बाप की पहचान ये हो कि ये फलाने का पापा है। क्योंकि समाज अक्सर बेटे जाना जाता है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, वो अच्छी बात है, बट प्राउड हो पापा को कि ये उसका पापा है। तो सबको
मेरी तरफ से जिस भी इस लड़की की इस मदद की है तहे दिल से शुक्रिया। हम भी ऐसी मदद करने के लिए तत्पर जा रहे हैं, हजारों कोर्स बच्चों को फ्री दिए हैं ताकि वो आने वाली जनरेशन कभी ये ना बोले कि हम 21वीं सदी में ऐसे हुए थे कि किसी ने कोई मदद नहीं की। तो कोचिंग वाले जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोर्स फ्री नहीं दिया, उनके सर मुंह पे ये तमाचा भी है कि जिंदगी में पैसे से बड़ा एक स्वाभिमान होता है, पैसे से बड़े बहुत चीजें होती, पैसा सब कुछ नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हो कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ, जिन बिजनेस बना रखा है कोचिंग के नाम पर। तो उससे थोड़ा सा ऊपर भी सोचिए कि कोई आपके दरबार पर आए, किताबें दीजिए कोचिंग। अगर कोई बच्चा आता है, वैसे तो 90% को नीड ही नहीं होती क्योंकि आजकल जो कोचिंग है वो 9-10 मतलब कहने का मतलब है कि वो इतनी सस्ती है कि सब ले सकते हैं, लेकिन 10% हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए अपनी कोचिंग के, अपनी ऐप के, अपनी एडुटेक कंपनी के, जो भी अपन उनके लिए दरवाजे खुले रखिए टाइम टू टाइम। जिंदगी में वीडियो बना दिया करो कि हम उनके लिए कोचिंग फ्री कर रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चे पता तो चले कि तुम कभी फ्री भी देते हो, क्योंकि बच्चों को पता है कि बिजनेस कर रहे हैं कभी दरवाजे पर आए ही नहीं, क्योंकि दरवाजे पर उसी के साधु संत बार बार आते हैं जिसके दरवाजे पर लगे कि यहां से आटा मिलेगा, यहां से कुछ दान पुण्य मिलेगा। क्योंकि कोई पहले आया होगा दरवाजे पर, आपने उसके अच्छी भिक्षा दी होगी, तभी दूसरा संत आएगा कि उस दरवाजे पर जाना, उस घर में जाना, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो प्लीज आप भी ऐसा कीजिए ताकि समाज के जो अच्छे बच्चे हैं जो जिंदगी में रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं इस लड़की की तरह, वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक, और जिंदगी में हमेशा इस लड़की की तरह आगे बढ़िए। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, और जो भी आपका मन हो अच्छा कमेंट जरूर करना। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक।